आवाम को भर वक्त तिबी इमदाद की फराहमी के लिए तहसील भेरा में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्क्यू के जवानों ने सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर को सलामी पेश की। शहरियों ने रेस्क्यू 1122 के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। तफसीलात बता रहे हैं शाहरुख जावेद। आवाम को बर वक्त तिबी इमदाद की फराहमी के लिए तहसील भेरा में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब रेस्क्यू 1122 ऑफिस भेरा में मुनक्किद की गई। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नासर ने रेस्क्यू 1122 भेरा ऑफिस का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सैयद जमीर शाह और दीगर अफसरान ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रिजवान का कहना था कि हर 1.5 मिनट से कम पे एक ट्रैफिक हादसा होता है और इसमें 80% में मोटरसाइकिल इन्वॉल्व। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी अजीज है तो 40-50 से ज्यादा की स्पीड पे मत चलाएं। इस मौके पे अफसरान का कहना था कि पंजाब भर में रेस्क्यू अमला मिशनरी जज्बे के तहत काम कर रहा है। तहसील भेरा में हादसा से निमटने के लिए 3 एम्बुलेंस फराहम की गई है। दरियाए जेलम करीब होने की वजह से 8 तिराक भी काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीब के अख्ताम पर लाइफ जैकेट भी तकसीम की गयी। रेस्क्यू 112 की फरहमी पर हम डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ ही हम उनसे मुतालबा करते हैं कि फायर ट्रक की सर्विस भी भेरा में जल्द अज जल्द फराहम की जाए। शहरियों ने आला हकाम से फायर टेंडर और मोटर बोट की फरहमी का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम कैमरा शाहरुख जावेद, सिटी न्यूज़ भेरा।